सत श्री अकाल जी, तुसी वेख रहे हो अजीत वैब टीवी। अजीत खबरां दे अज दे इस बुलेटिन दे विच मैं कमलप्रीत सिंह तुहाडा सारयां दा स्वागत करदा हाँ। ते रोज़ाना दी तरह आओ सब तो पहला जानदे हां अज दीआं चुनवीआं खबरां। टिड्डी दल नूं लैके पंजाब विच अलर्ट जारी। प्रेम संबंधां दे चलदिआं नौजवान वल्लों खुदकुशी। मैडिकल सिक्ख्या विच वाधे नूं लैके आप ने पंजाब सरकार खिलाफ खोलिआ मोर्चा। पंजाब भर च 5 जून तक खुशनुमा रहेगा मौसम। अते चक्रवात निसर्ग दा कहर, महाराष्ट्र दे रायगढ़ च डिगे दरखत। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार ते बाकी दीआं अहम खबरां दा खुलासा। पंजाब दे किसानां नूं इस साल दे आउण वाले कुछ महीने परेशानी विच पा सकते हन, इस लई किसानां नूं चौकस रहण दी जरूरत है। भारत दे गुआंढी मुल्क पाकिस्तान तों कदे वी पंजाब विच टिड्डी दल दा हमला हो सकदा है, जिस नूं लैके केंद्र सरकार ने पंजाब नूं अलर्ट जारी किया है और सरहदी जिले में चौकस रहने लिए कहा है। भारत पाकिस्तान कौमांतरी सरहद से वसे फाजिलका जिले के डिप्टी कमिश्नर अरविंद पाल सिंह संधू ने दसिया कि टिड्डी दल को लेकर केंद्र सरकार नाल जिला प्रशासनिक अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंगां दा सिलसिला जारी है। उन्होंने दसिया कि केंद्र सरकार वालों आने वाले 5-6 महीनों के कदे भी टिड्डी दल का हमला पंजाब विच देखने मिल सकता है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों तो लैके पिंडां दीआं पंचायतां 24 घंटे इस संबंधी चौकस रहने लिए कहा गया है। 10-10 पिंडां दे ग्रुप बनाए गए हैं जो कि टिड्डी दल दे हमले होने ते जल्द ही कार्रवाई शुरू कर देंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों वक् वक् स्टेट्स दे नाल समेत पंजाब स्टेट दे नाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिस की गई हैं और जिस दे विच उन्होंने सानू एडवांस च एक गल दसी है कि आने वाले कुछ महीनों के दौरान टिड्डी दल का हमला समय समय से हो सकता है और इस दे संबंध च असी भी आप दे जिहड़े हैगे है जानकारी या रिक्वायरमेंट जिहड़ी है वो मैं भी खास तौर पर जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाल मैं अपने जिले का पक्ष रखिया और असी कुछ इक्विपमेंट की मांग की है जिहड़ा कि उन्होंने अग्री भी किया है और उस दे संबंध च मैं उन्होंने लैटर भी लिखी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं भी प्लस पंजाब सरकार नूं भी उसकी कॉपी पाई है और अगों पंजाब सरकार वालों लैटर अगो फरदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं भी लिख दिती गई है मेरे लैटर दे रेफरेंस दे विच और सानू उम्मीद है भी सानू छेती जिहड़ा हैगा इक्विपमेंट स्प्रे पंप्स दा खास तौर पर असीं मांग कीती सी जिहड़े लोंग रेंज वाले स्प्रे पंप्स से जिहड़े जिन्हां दा दूर तक स्प्रे जांदा है ता जो वड्डे दरख्तां दे विच जिथे वड्डे टिड्डी दल बैठदा है उत्थे उन्हां नूं स्प्रे करके मारिया जा सके। होशियारपुर जलंधर रोड से स्थित पिपलांवाला विखे प्रेम संबंधों के चलदिया एक नौजवान वालों खुदकुशी करन दा मामला सामने आया है। इस संबंधी जानकारी देंदिया मृतक दे भरा ने दसिया कि उस दे भरा अजय कुमार दे किसी लड़की नाल प्रेम संबंध सन ते लड़की दे परिवारिक मैंबरां वालों उस दे भरा नूं डराया धमकाया जा रहा सी, जिस तो दुखी होकर उसने किसी जहरीली वस्तु का सेवन करके खुदकुशी कर ली। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ओंकार सिंह ने दसिया कि मृतक के भरा राजकुमार के बयान के आधार से कथित दोषियों विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। कल भी टेलीफोन होशियारपुर तो मालिक अजय कुमार के डॉट सन ऑफ अपने वरिंद्रपाल वासी पॉइजन केस खाने कारण सिविल अस्पताल दाखिल है, जिस दिन मैं इन्वेस्टिगेशन करने वास्ते जो सिविल अस्पताल पुजा जी जी डेड बॉडी जी अपने उत्थे एमरजेंसी में गई सी। हाँ सुसाइड नोट भी उन्हें पेश किया गल है राजकुमार के बयान से जो भरा बयान से जो मुकदमा दर्ज किया तीन उस तीन अक्यूज आ गया धारा 300634 आई पी सी तहत मुकदमा दर्ज किया तफ्तीश चल रही है जो भी जिदा फैक्टर उनके सामने कार्रवाई की।
मैडिकल सिक्ख्या विच पंजाब सरकार वालों किए वाधे नूं लै के अज आम आदमी पार्टी के माझा जोन के प्रधान कुलदीप सिंह धालीवाल अते अशोक तलवार जिला प्रधान MLA अमन अरोड़ा MLA मीथेर अते कई सीनियर नेतावां दे वर्करां वालों कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सोनी के निवास स्थान पर रोस प्रदर्शन करदिआं मंग की गई कि सूबा सरकार मैडिकल सिक्ख्या दीआं फीसां विच कीता वाधा वापस लवे। इस मौके आम आदमी पार्टी की समुची लीडरशिप अते वर्करां वालों कैबिनेट मंत्री पंजाब अते केंद्र सरकार खिलाफ़ जम के नारेबाजी की गई। जिन्ना टाइम पंजाब सरकार इनू वापस नहीं लैंदी उन्ना टाइम आम आदमी पार्टी साडा यूथ विंग साडा CYSS साडा समुचा आम आदमी पार्टी का ढांचा उन्ना टाइम OP सोनी चाहे अमृतसर छड्ड के चंडीगढ़ भज जाण चाहे उत्थों पटियाले चल जाण जिथे पंजाब जाणगे जिथे भी जाणगे उत्थे आम आदमी पार्टी जाके इन्हां दा घराओ करूगी। 1.5 साल इन्हां दी नींद हराम करी रखांगे जिन्ना टाइम जिहड़ियां डाक्टर ने फीसां वधीआं जिहड़ियां इह वापस नहीं। मंग पत्र जी जो फीसा वधाईया गई ने उस संबंधी मंग पत्र से जी इन्हों की मंग है कि फीसा घटाइया जा डॉक्टरों होर वसेंटिव दिता जाए उस संबंधी मंग पत्र है जी। इन्होंने आश्वासन दिलाया गया कि असी मुख अधिकारियों तक चंडीगढ़ हैडक्वाटर से मंग पत्र पहुँचावे जी। बीते कई दिनों तो पै रही लगातार गर्मी तो पंजाब के लोगों हूँ कुछ राहत मिली है। पछमी चक्रवात करके पंजाब के कई हिस्सों में लगातार मीह के नाल तेज़ हवावां अते बदलवाई वाला मौसम बनया होया है। पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी मौसम विभाग मुताबक आउंदे दिनों च मौसम अजिहा ही रहेगा अते 5 जून तक बदलवाई कई थावां ते मीह अते तेज़ हवावां चलदियां रहनगियां। इस संबंधी जानकारी दिंदियां पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी मौसम विभाग के मुखी डॉक्टर प्रभजोत कौर ने दस्या कि मौसम च लगातार तब्दीली आ रही है अते पछमी चक्रवात करके पंजाब के कुछ हिस्सों के विच हल्का मीह ते तेज़ हवावां चल रही हैं। उन्होंने दस्या कि बीते दिन तो यह सिस्टम शुरू होया है अते आउंदी 5 जून तक इसे तरह यह सिस्टम जारी रहेगा। जी सू फोकास्ट मिली है वो अकॉर्डिंगली एक वैसटर्न डिस्टर्बेंस जी है जिनू आप पछमी चक्रवात भी कहने लो प्रैशर एरिया हों जो पाकिस्तान अफगानिस्तान एरिया तो नॉर्थ इंडिया दे मूव करता है वो ना अजे आने वाले 2 to 3 दिन तक बदलवाई तेज़ हवावान तो किते किते हल्की तो दरम्यानी वर्खा की फोरकास्ट हैगी है। ये सिस्टम कल तो एक्टिव हो चुका है पंजाब दे विच एंड अजे 5 या 6 जून तक क्लीयर होएगा जाके। मैम टेंपरेचर की जो गल की जाए तो बीते दिन काफ़ी राइज हुआ तो वो कुछ गिरावट दर्ज हुई है टेंपरेचर की। हाँ जी जिहड़ा उन्हां दिनां च हीट वेव जो सिवियर हीट वेव चल रही थी तो टेंपरेचर कई थावां ते 44, 45, even 46 डिग्री भी रिकॉर्ड किया गया सी। सो उन्हां दे विच गिरावट हुई है इन्हां दिनां च पंजाब दे विच टेंपरेचर जिहड़े हैगे आ वो 32, 33 या 34 डिग्री सैलसीयस के आस पास रिकॉर्ड किए जा रहे हैं एंड ये अपने सधारण नालों भी 5, 6 या 7 डिग्री सैलसीयस घट चल रहे हैं या नॉर्मल तो लगता मैं आने वाले दिनों लोगों को थोड़ी बहुत गर्मी तो राहत मिलेगी क्योंकि मानसून भी कह रहे इस बार टाइम पे हैगा तो टाइम पे पहुंच जाएगा जी। मानसून की तो आमद ऑलरेडी हो चुकी है उन्होंने IMD ने डिक्लेयर भी कर दिता है एंड इस वारी मानसून की जी फोरकास्ट सी वह भी नॉर्मल फोरकास्ट सी। सो उम्मीद की जाती है कि अजे फिलहाल 2-3 दिन का थोड़ा लो टेंपरेचर रहेंगे तो हल्की तो दरमियानी वर्खा होएगी। उड़ीसा च आए चक्रवर्ती तूफान अम्फान तो बाद हुन तूफान निसर्ग मुंबई ते गुजरात दे नेड़ले इलाकों वाल 120 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ रफ्तार नाल वध रहा है। हज़ारां लोगों नूं सुरक्षित बाहर कढ़िया गया है ट्रेनों का समा बदलिया गया है उड़ाना रद्द कीतियां गईयां हन मछेरियां नूं समुद्र विचों बाहर कढ़िया गया है ते बचाव कर्मचारियों नूं तैनात किया गया है। मौसम माहिरां ने दस्सिया कि मुंबई 129 सालां दे अंतराल बाद चक्रवात का शिकार होवेगा। ज़िला अमृतसर अधीन आउंदे पिंड ओठियां दी मंडी दी कणक दी घट तो लिफ्टिंग भेजन नूं लैके मौजूदा सरपंच सरविंदर सिंह नूं कुछ व्यक्तियों वल्लों गोली मार दित्ती गई जिस तों बाद उन्हां नूं सरकारी हस्पताल लोपोके विखे भर्ती करवाया गया। सरपंच सरविंदर सिंह ने दस्सिया कि उन्हां कोल मंडी दा टेंडर सी इस दौरान उन्हां देखिया कि दिलबाग सिंह गुरप्रीत सिंह अवतार सिंह अते नरिंदर सिंह वासी कड़ियाल जो आड़त दा काम करदे हन कणक दी घट लिफ्टिंग करके खासा गोदाम विच भेज रहे सन जिसकी सूचना उन्हां वल्लों ज़िला खुराक सप्लाई अफसर नूं दित्ती गई जिस तों नाराज़ उक्त व्यक्तियों वल्लों उन्हां नूं गोली मार दित्ती गई।
ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੋਲੀ ਇਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰੀ ਆ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਤਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਅਜੇ ਫਰਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਫਰਾਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ SSP ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 5 ਅਤੇ ਅਨਲੌਕ 1 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਮਿਤੀ 2 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 15,18,800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ 5,563 ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ 12,95,300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 2,171 ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ 2,22,500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਡਾਊਨ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਦ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਅਨਲੋਕ 1.0 ਜਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ 5.0 ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਨਲਟੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੰਪੋਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪਿਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨ ਹੈਗਾ ਪੈਨਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥੋਰਿਟੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰ ਓਫੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੈਸ਼ਨ 2020-2021 'ਚ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 'ਚ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਇਸ ਸਾਲ ਸੈਸ਼ਨ 2019-20 ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਨੋਜ ਪਰੀਦਾ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ VP ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰੀਦਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚਰਨਜੀਤਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਢਿਲਵਾਂ ਰੋਡ ਉੱਪਰ 10 ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਸ਼ੇਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਾਏ ਵਗਾਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਨਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਿਨਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸੋ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਰਨਜੀਤਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਗਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
उस तो बाद प्रताप बाग एक बिल्डिंग बन रही सर नक्शा तो पास करवाया सीगा लेकिन जिन्ना नक्शा पास करवाया सीगा उस तो अगे वध के वायलेट करते हुए कुछ एरिया जिहड़ा उन्होंने बना लिया सी वो एरिया जिहड़ा असी गिराना सीगा लेकिन जिहड़ा ओनर सीगा उहदे रिक्वेस्ट कीती गई कि अगर तुसीं डिच नाल गिराओगे तो सारा लिंटर हिल सकदा है सो इस करके उन्होंने आप अपने मजदूर ला के उन्होंने गिरा लिया। उस तो बाद ढिलवां रोड के उत्ते 10 दुकाना जिहड़ियां बनने शुरू हुई सी वो भी अज उखाड़ दित्ती गई। तो जमशेर रोड के उत्ते एक कलोनी जिहड़ी है वो उधर बन रही थी उन्होंने भी आप रिमूव किया और सीवरेज वगैरह पिया सारे में आप खत्म कर दिता सारा लटा दिता है जो नियम वगैरह भर रहे थे रोड वगैरह कर रहे थे वह काम भी अब बंद करवा दिता गया। सो ये मुहिम जी आप जारी रखा जो कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन करता है अनऑथराइज कोई कंस्ट्रक्शन करता है तो उन्होंने समय समय पर रिमूव किया जाएगा। शाहकोट पुलिस वालों अज नशीले पदार्थ ते नाजायज़ शराब बरामद की गई। DSP शाहकोट प्यारा सिंह थिन की अगवाई हेठ थाना मुखी शाहकोट सब इंस्पैक्टर सुरेंद्र कुमार कंबोज की देखरेख हेठ थाना मॉडल शाहकोट पुलिस ने 3 ग्राम हैरोइन 2300 लीटर लाहन 100 बोतलों नाजायज़ शराब समेत 2 ड्रम 4 पतीले 2 ट्यूबा 4 तरपाला भट्ठी का समान बरामद करने सफलता हासिल की है। फिलहाल पुलिस ने दोषियों खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो इस अजीत खबरों का अज का यह बुलेटिन इतने ही खत्म होता है। कल तुहाड़ी खिदमत दे विच ताज़ा तरीन खबरों का एक होर बुलेटिन लैके असी फिर हाज़र होवांगे। तद तक दे लई तुसी वेखदे रहो अजीत वैब TV।